वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपने हिंदी की कक्षा में पिछली कक्षा में हिंदी माधुरी का एक नया अध्याय स्टार्ट किया था जिसका नाम था पन्ना धाय का त्याग, जो कि आपका चौथा अध्याय है। ठीक है, तो पिछली बार हमने पेज नंबर 24-25 पढ़ा था और उसको समझा था। ठीक है, उनमें कई सारी घटनाएं थीं जिनमें पन्ना धाय के त्याग और बलिदान साहस के बारे में बताया गया और किस तरह से घटनाक्रम चली। महाराणा सांगा की मृत्यु हुई, महाराणा सांगा के बाद में विक्रमाजीत और बनवीर को सिंहासन पर बैठाया गया। क्यों बैठाया गया था? क्योंकि महाराणा सांगा के जो पुत्र थे, ठीक है, उनकी उम्र केवल 6 साल की थी, इसलिए वो उस वक्त सिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ, विक्रमाजीत और फिर उसके बाद में बनवीर को सिंहासन पर बैठाया गया। लेकिन पूरे घटनाक्रम में हमने ये देखा कि दोनों ने सिंहासन का ख्याल नहीं रखा, वो सिंहासन के लालच में पड़ गए और इसके कारण प्रजा परेशान रहती थी। ठीक है, और कई कई बार तो जो वृद्ध सरदार थे उनको भी घूसा मार दिया गया। प्रजा के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर पाने के कारण सिंहासन में बैठने वाले जो लोग थे, ठीक है, उनमें बदलाव हुआ, एक बार विक्रमाजीत तो दूसरी बार बनवीर। ठीक है, लेकिन बाद में हमने क्या देखा, बनवीर ने ये सोचा कि जब तक महाराणा सांगा का जो पुत्र है, अगर जब तक वो जिंदा रहेगा, और जब तक वो बड़ा हो जाएगा, हैं, उसके बड़ा होते तक ही मैं राजा बन सकता हूँ। ठीक है, क्यों ना मैं उसकी हत्या कर दूँ। ठीक, मतलब उसके अंदर सिंहासन का लालच पैदा हो गया था, जो कि एक राजा के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसी कारण से वह अपने महल से निकला और उसने ये सोचा कि मैं विक्रमाजीत की भी हत्या कर देता हूँ और महाराणा सांगा के पुत्र की हत्या कर देता हूँ। लेकिन महाराणा सांगा का पुत्र जो कि 6 साल का था, वो किसके साथ में रह रहा था, उसका लालन पालन कौन कर रहा था? पन्ना धाय कर रही थी। ठीक है, पन्ना धाय कर रही थी, जो कि एक बहुत बड़ी राजभक्त और देशभक्त थी और बहुत ईमानदार और शरीफ थी। ठीक है, साहसी भी थी। तो पन्ना धाय का जो पुत्र, जिसका नाम था क्या, चंदन था। ठीक है, चंदन के साथ में ही महाराणा सांगा का जो पुत्र था, है ना, वो खाता पीता था, खेलता था, दोनों लोग हम उम्र होने के कारण साथ साथ दिन भर रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ज़्यादा खेलने और थकने के कारण महाराणा सांगा का जो पुत्र था वो ज़मीन पर ही सो गया। ठीक है, और जैसे ही दीपदान का आयोजन हुआ, दीपदान उत्सव का आयोजन हुआ, सारी जनता इकट्ठा थी, तभी क्या पता चला कि बलवीर ने विक्रमाजीत की हत्या कर दी है तलवार से। ठीक है, उसने हत्या कर दी है और हत्या करते ही चारों ओर महल में हाहाकार मच गया और पन्ना धाय ने पहले ही अंदाज़ा लगा दिया कि जब विक्रमाजीत की हत्या बलवीर ने कर दी है तो अब इसके बाद में महाराणा सांगा के पुत्र की हत्या करने के लिए बलवीर ज़रूर आएगा। और पन्ना धाय की यह शंका सही साबित हुई, उन्होंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि बलवीर महाराणा सांगा के पुत्र की हत्या करने महल की ओर आएगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र को बिस्तर में लेटा दिया, खाट पर लेटा दिया और जो महाराणा सांगा का जो पुत्र था उसको वहाँ से हटा दिया। ठीक है, ठीक है, और महाराणा सांगा के पुत्र के साथ क्या किया, उस वक्त जो घटनाक्रम चल रहा था तो कीरत बारी जो कि जूठन उठाने का काम कर रहा था, तो उत्सव होने के कारण वो एक बड़े आकार का एक टोकरा लेके आया था, क्योंकि कचरा ज़्यादा होता था। ठीक है, उस कचड़े को हटाने के लिए तो उन्होंने कीरत बारी से ये बोला कि इन पत्तनों के नीचे महाराणा सांगा के पुत्र को लेकर नदी के किनारे तुम मेरी प्रतीक्षा करो, वहाँ मैं आऊँगी, फिर आगे क्या कार्रवाई करनी है वह मैं आपको बताऊँगी।
तो कीरत बारी जो था वो भी राजभक्त था और ईमानदार था, जिसके ऊपर पन्नाधाय पूरी तरह से विश्वास कर सकती थी। ठीक है, तो कीरत बारी ने क्या किया, महाराणा सांगा के 6 साल के उम्र के छोटे बेटे को बड़े से टोकरे में पत्तलों के नीचे छुपा दिया और सर में रखकर उस टोकरे को पन्नाधाय की बात मानते हुए नदी किनारे जाने लगा। ठीक है, यहाँ तक हमने घटनाक्रम पिछले कक्षा में पिछले बार देखा था। ठीक है, आज हम आगे की घटनाक्रम देखेंगे और यह देखेंगे कि यह घटना आखिर कहाँ पर समाप्त होती है, बलवीर और पन्नाधाय, ठीक है, चंदन और महाराणा सांगा के पुत्र के साथ में आखिर क्या होता है। तो चलिए हम लोग आगे की घटनाक्रम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 26 में पहला पैराग्राफ देखेंगे हम लोग, आपकी बुक में आपका ध्यान रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहला पैराग्राफ देखते हैं। थोड़ी ही देर बाद बनवीर पन्ना के महल में आ पहुंचा। खून से रंगी तलवार लहराते हुए उसने पूछा, उदय सिंह कहाँ है? उदय सिंह आपको याद होगा, महाराणा सांगा का पुत्र। ठीक है, तो बनवीर ने क्या किया था, पहले विक्रमाजीत की हत्या की और उसी के खून से रंगी हुई तलवार लेकर पन्नाधाय के महल में पहुंचा और पन्नाधाय से क्या सवाल करता है कि उदय सिंह कहाँ है। ठीक है, उदय सिंह कहाँ है? लेकिन देखिए दूसरा पैराग्राफ देखिए, पहले तो पन्ना चुप रही, लेकिन जब बनवीर ने फिर तेज आवाज़ में पूछा तो उसने पलंग पर सोते हुए बच्चे की ओर संकेत कर दिया। ठीक है, बनवीर ने तलवार के एक ही वार में बालक के 2 टुकड़े कर दिए और वहाँ से चला गया। बहुत ही अद्भुत क्षण, बहुत ही अद्भुत बात एक माँ के लिए है। ठीक है, वास्तविकता क्या थी कि उदय सिंह जो कि महाराणा सांगा के पुत्र थे, उसको तो पहले ही पन्नाधाय ने कीरत बारी के साथ में बड़े टोकरे में छुपाकर भेजवा दिया था। अब सवाल ये उठता है कि बिस्तर में कौन सोया था? तो बिस्तर में पन्नाधाय का जो पुत्र था, जिसका नाम चंदन था, जो कि 6 वर्ष का ही था, वह सोया हुआ था। ठीक है, तो पन्नाधाय पहले तो चुप थी, जब बनवीर ने पूछा कि उदय सिंह कहाँ है, पन्नाधाय तो पहले चुप रहे, लेकिन फिर जब उसने बनवीर ने दोबारा पूछा कि पन्नाधाय कहाँ पर हैं, तब उसने ये पूछा कि उदय सिंह कहाँ पर है, तो पन्नाधाय ने क्या बोला, उन्होंने कुछ मुंह से बोला नहीं, उन्होंने इशारा कर दिया पलंग पर सोते हुए बच्चे पर। कितनी बड़ी बलिदान की बात है एक माँ के लिए, जिसने कि राजभक्ति दिखाने के लिए और चित्तौड़ के भविष्य को बचाने के लिए अपने पुत्र, जिसकी उम्र केवल 6 साल की थी, उसकी ओर उन्होंने इशारा कर दिया कि वो है उदय सिंह जो कि पलंग पर लेटा हुआ है। तो पन्नाधाय ने क्या किया था, उसके चेहरे को चद्दर से पूर्ण रूप से ढक दिया था, जिससे कि बनवीर उदय सिंह को पहचान ना पाए। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। बनवीर ने तलवार के एक ही वार में बालक के 2 टुकड़े कर दिए और वहाँ से चले गए। एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात है ये। बनवीर ने क्या किया, जो तलवार लिया था उसमें उससे पूरी ताकत से चंदन के ऊपर वार कर दिया सोते हुए, और बनवीर को क्या लगा कि यह कौन है, उदय सिंह है। तो क्योंकि बालक छोटा था, इसीलिए एक बार से, एक प्रहार से ही उस बालक के या चंदन के 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, कितनी नृशंस हत्या उसने की, पन्ना की आंखों के सामने ही उसके प्रिय पुत्र की हत्या हो गई। देखिए कितनी बड़ी राजभक्ति, देशभक्ति थी, पन्ना के आंखों के सामने ही उसके पुत्र की हत्या कर दी गई, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। क्यों नहीं की, उसने अपने पुत्र का बलिदान राज के लिए दे दिया। ठीक है, ऐसे बहुत रेयर, आपको बहुत कम घटनाएं देखने को मिलेंगी इस तरह की इतिहास में। पूरे महल में शोर मच गया कि बनवीर ने उदय सिंह की हत्या कर दी। चारों ओर हाहाकार मच गया। ठीक है, राज्य में चारों ओर हाहाकार क्यों मच गया, लोगों ने ये सोचा कि बनवीर ने उदय सिंह की हत्या कर दी है, जो कि महाराणा सांगा के पुत्र हैं, लेकिन लोगों को सच्चाई नहीं पता थी। ठीक है, आगे देखिए अगला पैराग्राफ। पन्ना ने अपने पुत्र की
मृत्यु का शोक किसी को प्रकट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बनवीर को पता चल जाता कि मैंने तो चंदन को मारा है, तो फिर वो उदय सिंह को मारने के लिए पन्नाधाई के पीछे पड़ जाता और उदय सिंह के पीछे आ जाता। ठीक है, वह रात में ही नदी के किनारे पहुंची जहां कीरत बारी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कीरत बारी भी एक बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त राज्य भक्त था। ठीक है, कीरत बारी से जो कहा गया था कीरत बारी ने अक्षरशः उन सारे बातों को माना और उदय सिंह को टोकरे में लेकर नदी के किनारे पन्नाधाई की प्रतीक्षा कितनी देर से वह कर रहा था जैसा कि पन्नाधाई ने उसे आदेश दिया था। पन्ना उदय सिंह को लेकर कमल मेर के किले में चली गई। ठीक है, कमल मेर राजस्थान में चित्तौड़ के पास में ही एक किला है, सुरक्षित जगह है, गुप्त स्थान है, जहां पर पन्नाधाई उदय सिंह जो कि महाराणा प्रताप महाराणा सांगा के पुत्र थे उसको लेकर चली गई। वहां उसने किले के किलेदार आशा शाह को सारी बात बताई। जो भी एक दो दिन के अंदर जो भी घटनाक्रम चला चित्तौड़ में वो सारे घटनाक्रम को पन्नाधाई ने किससे बोला? कमल मेर के जो किला शाह था, जो किले की रक्षा करते थे, ठीक है, जो किलेदार थे, उससे उन्होंने पूरी घटनाएं बताई कि किस तरह से बलवीर ने हत्याएं की। पन्ना का इतना बड़े बलिदान देकर आशा शाह दंग रह गया। क्यों नहीं रहता? आशा शाह ने इतना बड़ा बलिदान देखा पन्नाधाई का कि उसने राजभक्ति में अपने पुत्र की हत्या भी मंजूर कर ली। ठीक है, वह दंग रह गया। ठीक है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसी घटना सोची भी नहीं थी कि इस तरह से भी कोई माँ अपने पुत्र का बलिदान केवल राजभक्ति के लिए कर सकती है। ठीक है, उन्होंने पन्ना और उदय सिंह को अपने यहाँ शरण दे दी और उदय सिंह के बड़े होने तक यह भेद किसी पर प्रकट नहीं किया कि उदय सिंह जीवित है और उसके पास सुरक्षित है। देखिए, ईमानदारी इतनी कि आशा शाह और पन्नाधाई, कीरत बारी या जितने लोग महाराणा सांगा के पुत्र को बचाने के लिए जो लोग जानते थे कि महाराणा सांगा का पुत्र की मृत्यु नहीं हुई है, वह सुरक्षित है, किसी ने भी उदय सिंह के बड़े होने तक यह राज किसी से भी नहीं बताया। ठीक है, किसी को भी नहीं बताया कि जो उदय सिंह है वह जीवित है अभी भी। तो अब देखिए क्या होता है, पेज नंबर 27 में पहला पैराग्राफ देखिए, आगे घटना बढ़ती है। कई साल बाद चित्तौड़ के लोगों को पता चला कि उदय सिंह जीवित है। अचानक से अद्भुत एक समाचार निकलकर लोगों के सामने आता है कि महाराणा सांगा का पुत्र जो है उदय सिंह वह जीवित है। उदय सिंह और बनवीर की सेना के बीच युद्ध हुआ, यह तो तय था, क्योंकि वास्तव में सिंहासन, चित्तौड़ का सिंहासन किसका असली हकदार कौन था? उदय सिंह था, जो कि महाराणा सांगा के पुत्र थे। ठीक है, तो उदय सिंह अब बड़े हो गए थे, वो अपनी सेना उन्होंने तैयार की और उदय सिंह और बनवीर के बीच युद्ध हुआ जिसमें बनवीर मारा गया। वो होना ही था, उदय सिंह महाराणा सांगा के वीर पुत्र थे और ऐसे वीर थे जिन्हें कि पन्नाधाई ने पाला था। ठीक है, तो वह कैसे किसी से हार जाता? तो बनवीर जैसे नृशंस हत्यारा मारा गया इस युद्ध में, उसके बाद जो होना था वही हुआ। उसके बाद उदय सिंह चित्तौड़ के महाराणा बने, जो कि उनको बहुत पहले बन जाना चाहिए था। ठीक है, आखिरी पैराग्राफ देखिए, इस प्रकार पन्नाधाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर राज परिवार को निर्वंश नहीं होने दिया। उसके महान बलिदान को लोग आज भी याद करते हैं। देखिए, पन्नाधाई ने माता होकर अपने पुत्र का बलिदान अपने आंखों के सामने दे दिया, लेकिन उफ तक नहीं की। ठीक है, और उन्हीं के बलिदान का नतीजा है कि कई सालों के बाद भी उदय सिंह जीवित हैं, जो कि चित्तौड़ के वास्तविक महाराणा बने और चित्तौड़ की राजगद्दी में बैठे। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आया है, राज परिवार को निर्वंश नहीं होने दिया। निर्वंश का मतलब होता है जिस वंश में या वंश को चलाने के लिए कोई ना हो। ठीक है, अगर
महाराणा उदय सिंह की हत्या हो जाती तो चित्तौड़ का राज परिवार निर्वंश हो जाता, मतलब उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं रहता। तो क्योंकि यह अद्भुत बलिदान है जो कि आपको युगों युगों में कभी कभी देखने को मिलता है, इस कारण से हम पन्नाधाय का नाम बहुत ही श्रद्धा से लेते हैं और उनको हमेशा याद करते हैं। आने वाले समय में इस इतिहास को हमेशा याद रखा जाएगा। ठीक है, चलिए कहानी का उद्देश्य देख लेते हैं और इस कहानी को या ऐतिहासिक वृत्तांत को ख़त्म करते हैं। इस उद्देश्य के साथ में इस ऐतिहासिक वृत्तांत के माध्यम से बालकों को यह शिक्षा देने का प्रयास किया गया है कि हमें प्रत्येक स्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपने कार्य को निष्ठा के साथ करना ही सच्ची देश सेवा है। देखिए, बलिदान का मतलब केवल जान देने से ही नहीं होता है। ठीक है, जान देना सर्वोच्च बलिदान होता है। ठीक है, जो कि हम लोग सीमा में जाकर कर सकते हैं, देश की सीमाओं में जाकर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको देश सेवा करनी ही है, देश के प्रति ईमानदारी दिखानी ही है, तो हम अच्छी तरह से पढ़ाई करें। ठीक है, ईमानदार बनने की कोशिश करें, हमेशा सच बोलें, किसी के साथ गलत ना करें और ना ही गलत देखें या सुने। अगर हम इतना ही कर लेंगे तभी भी हम एक सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।